हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं स्टैंडर्ड 6 एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, जो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.2 में पहले तो हम लर्न करेंगे तो कि मीटर, मीटर में क्या होता है, जो किलोमीटर यानी किलोमीटर से जो होते हैं वो हम कैसे, तो कि डिस्टेंस यानी कि जो एक शहर से दूसरे शहर की जो डिस्टेंस होती है उसको नापने के लिए हमें किलोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये वन मीटर मीन्स जो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स होता है तब वो 1 मीटर बनता है, और 1000 मिलीमीटर्स होता है तब वो 1 मीटर बनता है। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर को मैंने cm लिखा है और मिलीलीटर को मैंने mm को, उसका शॉर्ट नेम है mm। तो 10 मिलीमीटर्स होता है, 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो कि 10 मिलीमीटर होता है तब 1 सेंटीमीटर बनता है, और जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 किलोमीटर्स मीन्स 1000 मीटर, यानी कि 1000 जब मीटर बनता है तो वो 1 किलोमीटर बनता है, और किलोमीटर को हम शॉर्ट नेम km से हम दिखाई जाता है, और मीटर को m से। तो देखो ये मीटर, किलोमीटर, ये जो क्लोथ होते हैं, डिस्टेंस है, ये सब मीटर से नाप माप जाता है, और जो किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि जो उसका वेट होता है, वेट को हम किलोग्राम्स से नापते हैं, तो उसको क्वांटिटी जो है वो, जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो वो होते हैं, तो उसको हम किलोग्राम्स में नापते हैं। तो देखो ये 1 ग्राम, 1 ग्राम मीन्स इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम जब होता है तब 1 ग्राम बनता है, और जो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो कि 1000 ग्राम्स होते हैं, कि 1000 ग्राम जब होता है तब वो 1 किलोग्राम बनता है, यानी कि 1 kg बनता है। और जो लीटर, लीटर मीन्स लिक्विड, लिक्विड में क्या आता है, तो कि मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है एक लिक्विड है, तो उसको कैसे नापा जाता है, तो कि उसको लीटर में नापा जाता है, तो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर्स, यानी कि 1000 मिली लीटर होता है तब 1 लीटर बनता है, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली मीटर, तो उसको हम शॉर्ट नेम क्या है कि ml। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में फर्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमारा ये इक्वेशन 1 है। A book exhibition was held for 4 days in a school, यानी कि एक स्कूल में बुक्स की एग्जीबिशन हो रही है। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751, यानी कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है उसने जो टिकट है वो सोल्ड किया है, यानी कि बेची है टिकट है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, तो कि इसने टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कि वो 4 दिनों में से कितनी टिकट है उसने बेची है, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यानी कि हमें कि उन चारों का टोटल करना है, तो कि फर्स्ट डे, तो कि फर्स्ट डे कितनी बेची है, तो कि 1094। सेकंड डे में, तो कि 1812। थर्ड डे कितनी बेची है, तो कि 2050। और फाइनल, फाइनल यानी कि 4th डे,
फोर्थ डे में कितने उसने बेची है, तो कि फोर्थ डे इज इक्वल टू 2751, यानी कि हमें उसकी टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड तो हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड करना है, तो हम इन चारों की प्लस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यानी कि फर्स्ट में 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, हम इन चारों का प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 1 10, 10 5 15, एंड +5 20, 20 यहाँ पे 0 एंड 2 कैरी है, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी ऑन, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 7707 उसने टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की है। एग्जांपल नंबर टू, देखो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर टू, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, यानी कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोरेड 6980, उसने कितना रन इस टेस्ट में, तो टेस्ट में से उसने 6980 रन किए हैं, तो ही विशेज़ टू कंप्लीट 10,000 रन। तो उसके उसकी विश क्या थी कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे टेस्ट मैच में। तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड्स, तो उसे और कितने रन चाहिए कि 10,000 करने हैं, तो उसको और कितने रन चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, शेखर शेखर ने कितने रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, तो कि 6980, और उसकी विश कितनी थी कंप्लीट करने की, तो कि 10,000, तो कि हम उसको जो उसने 10,000 रन बनाने हैं, तो उसको कंप्लीट कंप्लीट टू रन 10,000। तो हाउ मेनी मोर रन, यानी कि उसने 6980 रन बनाए और उसको चाहिए 10,000, तो अभी उसको कितने और रन बनाने होंगे, तो ये 10,000 रन उसको बन जाएंगे। तो देखो मैं ये 10,000 माइनस 6980 माइनस करूँगी, तो हमें उसको कितने रन चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ 0 0 0, यहाँ पे 10 10 माइनस 8, तो कि 2, यहाँ पे बन जाएगा 9 9 माइनस 9, तो कि 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 है 0 माइनस 6, तो के नहीं हो, तो यहाँ पे हमने बनाएंगे इसको 10 10 में से 6 माइनस करेंगे, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसको कितने और रन बनाना चाहिए, तो कि शेखर शेखर मोर रन नीड